इसके प्रायोजक हैं फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर कॉलेज रोड रीवा, नेशनल अस्पताल और कैंसर रिसर्च सेंटर नया बस स्टैंड रीवा और उत्सव राजविलास। शादी बारात के लिए रीवा की सर्वश्रेष्ठ जगह धोबिया टंकी रीवा। नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की आज रीवा में एक विशाल जनसभा थी। यहाँ पर सिरमौर प्रत्याशी बीडी पांडे ने भाषण देते हुए क्या कुछ कहा, आप भी ध्यान से सुनिए। शिक्षा के संबंध में आप देखिए, बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जिनकी अरसे से कोताही नहीं हुई है। जब अच्छा वातावरण नहीं होगा तो कैसे छात्र उसमें पढ़ेंगे और कैसे जो है अध्यापक लोग पढ़ाएंगे। इसी प्रकार से स्वास्थ्य की भारी समस्या है। स्वास्थ्य के संबंध में हमारे जो शासकीय उपहारे हैं उनमें तो डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर तो दवाइयां नहीं है। साथियों, 80% दवाइयां हमारे रोज बाजार से खरीदते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, पानी और बिजली, ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। जो हमारा क्षेत्र इन सभी आवश्यकताओं से पूर्ण रूप से वंचित है। साथियों, मैं आपसे इस अवसर पर अधिक समय लेते हुए ये अपील करना चाहता हूँ कि बहन कुमारी मायावती जी ने जो मेरे ऊपर विश्वास जताया है और मुझे सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है, मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि उनके विश्वास को कायम करने के लिए आप सबका समर्थन चाहता हूँ मैं। और मैं ये चाहता हूँ कि 17 तारीख को होने वाले विधानसभा चुनाव में आप हाथी के सामने वाला बटन दबा करके मुझे जो है विधानसभा पर पहुंचाएंगे। मैं आपके लिए हमेशा लड़ता रहूंगा, आपके लिए जीऊंगा, आपके लिए मरूंगा और ऐसा कोई अवसर नहीं आने दूंगा जिसमें आपको निराश होना पड़े। हमारे क्षेत्र में, हमारे इस जिले में 8 प्रत्याशी काफी अच्छी पोजीशन में हैं। मैं समझता हूं कि आप सभी को जीता करके और विधानसभा तक पहुंचाएंगे। जब विधानसभा में आप पहुंचाएंगे, हमारी सरकार में भागीदारी होगी तो निश्चित रूप से हम आपकी समस्याओं के लिए बहुत अच्छे ढंग से हर समस्या को लड़ेंगे और लड़ करके आपकी मांगों को पूरा कराने का प्रयास करेंगे। पानी, बिजली, यातायात और स्वास्थ्य और शिक्षा की समस्याएं पूर्ण रूप से दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ और आपसे निवेदन भी करता हूँ। मैं इस अवसर पर आप सबको पुनः बहुत बहुत साधुवाद देते हुए बहन कुमारी मायावती जी को सत सत नमन करते हुए और उनके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करते हुए आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि 17 तारीख को आप निश्चित रूप से हाथी का बटन दबा करके और अधिक से अधिक मतों से हमें निकालने का प्रयास करें और विधानसभा पर पहुंचाने का प्रयास करें। यही मेरी आपसे अपील है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उन्नत भारत पार्टी और जय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। बहन कुमारी मायावती जी, धन्यवाद। काशीराम जी, धन्यवाद। जय हिंद। ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।